गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश की नोटबुक में ये एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज है आपकी मैच द फॉलोइंग, आपको मैचिंग करनी है। यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं और यहाँ पर दोनों साइड वर्ड लिखे हुए हैं, आपको मैच करनी है। तो देखिए, पहले वन साइड पढ़ते हैं। केक, काउ, जग, बेयर, फैन, रैट, बॉल, पेन, एप्पल और बुक। नेक्स्ट साइड लिखा हुआ है रेड्स, बॉल्स, एप्पल्स, पेंस, केक्स, काउज, बुक्स, जग्स, फैंस, बियर्स। तो आपको मैचिंग करनी है। तो फर्स्ट वर्ड कौन सा है? केक। तो केक को केक से मैच करेंगे, काउ को काउज से करेंगे, जग को जग्स। जग्स कहाँ लिखा हुआ है ढूंढिए और मैच करिए। बेयर, बेयर्स, फैन, फैंस, रैट, रैट्स, बॉल, बॉल्स, पेन, पेंस, एप्पल, एप्पल्स, बुक, बुक्स। तो आप लोग वर्ड पढ़िए और मैच करिए। ओके बच्चों, तो अच्छे से वर्क करेंगे ये वाला। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो ये देखिए, आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। अब ए और ए एन आपको इनमें फिल करनी है। आपको कुछ वर्ड लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, इनमें आपको ए और एन फिल करना है। ये डैश लगे हुए हैं ना, तो ए और एन का मतलब क्या होता है? एक। कोई भी एक चीज़ होती है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? ए या फिर ए एन, एन। तो ए कब यूज़ करते हैं और एन कब यूज़ करते हैं? जब वॉवल साउंड होता है तब एन का यूज़ करते हैं। वॉवल साउंड जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट साउंड इसके लिए ए का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड कौन सा है? ए एन टी, आंट। अब इसमें फर्स्ट लेटर ए, ए क्या है? वॉवल साउंड। तो वॉवल साउंड के साथ क्या यूज़ करेंगे? एन, ए एन, एन। नेक्स्ट है ट्री, टी आर डबल ई, ट्री। ट्री का फर्स्ट लेटर देखिए क्या है? टी, और टी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या यूज़ करेंगे? ए। तो आप लोगों को इसी तरह सारे वर्ड यहाँ पर फिल करने हैं। आंट, ट्री, काइट, अम्ब्रेला, फिश, आइस, कैप, जग और एग। इन सब के आगे ए और एन यूज़ करना है। अच्छे से वर्क करेंगे, वर्क करेंगे साफ साफ राइटिंग में सभी बच्चे। ओके बच्चों, गंदी राइटिंग में वर्क नहीं आना चाहिए। ओके, बाय बाय।